दोस्तों, लॉकडाउन के दौरान पूरा देश जब फाइनेंशियल क्राइसिस में जी रहा था, कुछ लोग तो राशन भी स्टॉक करने लगे थे। लेकिन इस कठिन परिस्थिति में भी एक व्यक्ति ऐसा था जिसने अपनी सारी सेविंग्स गरीबों और जरूरतमंदों को अनाज और मेडिसिन दिलाने में इन्वेस्ट कर दी। एक राइस एटीएम खोला जहां लोग आकर फ्री में राशन ले सकते हैं। एक्चुअली सिर्फ सेविंग से नहीं, बल्कि इन भाई साहब ने तो अपनी पूरी प्रॉपर्टी भी बेच दी, जिसकी कीमत करीब 40 लाख थी। हालांकि उनके लिए ये करना बिल्कुल भी आसान नहीं था। आप सोच रहे होंगे कि ये जरूर कोई अमीर आदमी होगा, लेकिन आपको बता दें कि रामू दोसापति पेशे से एचआर हैं और एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। वो अब तक लगभग 25,000 लोगों की मदद कर चुके हैं और रोजाना अभी भी उनके पास 200 से 250 लोग आ ही जाते हैं। और रामू दोसापति अभी भी अपनी सैलरी से राइस एटीएम को चला रहे हैं। उनका कहना है कि कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोना चाहिए, इसलिए वो आगे भी अपने इस काम को जारी रखेंगे।